मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा चार के बच्चे, तुम लोगों के सामने आज मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो तुम लोगों के लिए नहीं है, फिर भी तुम लोग चेष्टा करोगे पढ़ने आ जाएगी। पढ़कर सब कुछ जो है तुम लोग आगे बढ़ोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है संस्कृत पढ़ना सीखो। आज तुम लोगों के सामने सरस्वती वंदना पाठ जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती की प्रार्थना विनय अनुनय विनय, हम लोगों की देवी माँ सरस्वती है, इसलिए उनको अपने जो है विद्या स्टार्ट करने के आगे हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसलिए तुम लोग ध्यान देकर ये संस्कृत के जो श्लोक है उसको मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर इसको पढ़ोगे। जय हे भगवती सूर भारती, तव चरणों प्रणाम, नंद नाद ब्रह्मापी, जय भागेश्वरी शरणम ते गच्छाम। यह श्लोक है, इसका अर्थ है कि हे माँ सरस्वती, हम आपके चरणों में नमन करते हैं, ब्रह्म नाद स्वरूपनी वाणी की देवी, हम आपकी शरण में जाते हैं। इसके बाद जो है त्वम सी शरणाया त्रिभुवनम धन्या, सुरमुनि वंदिता चरणा, नव रस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि भरना। इस श्लोक का अर्थ है, हे माँ सरस्वती, आप ही सबकी शरण योग्य हैं, तुम्हारे कारण तीनों लोक धन्य है, देवता मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं, नौ रसों से भी मधुर कविता से मुखारित, प्रिय एवं दिव्य कांतिमयी शोभा से युक्त आपकी जय हो। हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो। आशिना भव मानस हंसे, कुंदतिहीन शशि धावते, हर जरता क्रु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु बीमले। इस प्रकार से चंद्रमा की शीतल सफेद और कोमल किरणों के समान श्वेत राजहंस पर विराजमान हे माँ सरस्वती, हमारी ममता को दूर करके हमें प्रगति के पथ पर ज्ञान कराइए। श्वेत कमल पर वास करने वाली पवित्र देवी माँ, आपकी विजय हो। इसके बाद है ललित कमलामयी ज्ञान विभावीमयी, बिना पुस्तक धारिणी, मति रस्ताम नौ, तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी। इस प्रकार से तुम लोग लास्ट में इसको पढ़ोगे, एक बार मारिए और तो। ये जो श्लोक पढ़े हैं उसके नीचे में तुम लोग देखोगे से ललित कलाओं गायन आदि कलाओं से युक्त ज्ञान की आभा एवं बिना पुस्तक धारण करने वाली जड़ता एवं बुराइयों दूर करने वाली हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि सदा आपके चरण कमलों में रहे, यही हमें आशीर्वाद दीजिए। यही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।